जी दे दर तो फुरमान आवे तो उसनू सरवण करिए। आओ पहला जो बख्शिश कीती है सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तो सतगुरां ने पावन पवित्र हुक्मनामे दे रूप दे विच सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवा, फिरत फिरत भेटे जन साधु, पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे, हर हर नाम त्याया। फिरत भेटे जन साधु, पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे, हर हर नाम ते आया। तांते मोहि तारे ओट गोपाल, शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल रहाओ। स्वर्ग मृत पयाल भूमंडल, सगल व्यापे माए, जी उदारन सब कुल तारन, हर हर नाम त्याय। नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्व निदाना, कर कृपा जिस दे स्वामी, बिरले काहू जाना। नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्व निदाना, कर कृपा जिस दे स्वामी, बिरले काहू जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, तनासरी राग दे अंदर जो बख्शिश कर रहे ने, जो रहमत कर रहे ने, साड़ी झोली दे विच पा रहे ने, सारे संसार दे जीवां वास्ते, ये साड़े सारे ही जगत जलंदे वास्ते है, जो सतगुरां दा फुरमान है, किसी एक वास्ते नहीं। तनासरी दे राग दे अंदर शहीदां दे सरताज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करदे ने। रहाओ दी पंक्ति विच सतगुरु कहिंदे ने, तांते मोहि तारी ओट गोपाल, शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिनसे सगल जंजाल। तां ही कहिंदे मैं उस मालक दी ओट पकड़ी है, उस मालक दी चरणां दा ओट आसरा तक्या है, उस मालक दी शरण दे विच आया। कदों फेरे तो भेटे जन साधु, पूरे गुर समझाया। कहिंदे बड़ा भड़के वेखिया, सारियां पासियां दी भड़के, हुण पूरे गुरु ने यह समझा दिता, बख्शिश कर दिती, रहमत कर दिती। आन सगल विद कामना आवे, हर हर नाम ते आया। कहिंदे दुनिया के जतन जितने भी ने, वह किसी काम नहीं आने। दुनिया के जो कुछ भी असी करते हाँ, वह साढ़े किसी थाए नहीं पैना। फिरत भेटे जन साधु, पूरा गुर समझाया। आन सगल विद कामना आवे, कोई भी तुहाडा दुनिया के कार विहार जिहड़े ने हाँ करने ने जरूर, दुनिया के कार विहार भी सारे करने हैं, पर नाल नाल उस मालिक के सिमरन के नाल जरूर जड़ना है, मालिक की बाणी के नाल जरूर जुड़ना है। आन सगल विद काम ना आवे, क्योंकि होर कुछ भी काम नहीं आना। हर हर नाम त्याया, पंजम गुरदेव कहिंदे ने, ताइयों ते उस मालिक का नाम सिमरना कीता है, ताइयों मैं उस मालिक की ओट तकी है। शरण परयो पूर्ण परमेश्वर, बिनसे सगल जंजाल।
जदों दुनिया के आसरे सारे खत्म हो जाते हैं, जदों दुनिया का आसरा कोई दिखाई नहीं देता, फिर केवल तो केवल उस मालक का डर, उस मालक का आसरा, उस परमेश्वर का आसरा दिखाई देता है। जदों कदे मनुख दुखां दे विच पीड़ित होवे तां वी उस परमेश्वर की याद आती है, तो जो सुख भी हो जिहड़े गुरमुख अनुसारी ने जुड़े गुरु के मत अनुसार हो के चलते ने, वो सतगुरु के भाणे दे विच रह के जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा दुख विच सुख मनाई। वो दुख दे विच भी सुख ही महसूस करते ने, कदी डोलते नहीं, हमेशा ही परमेश्वर की चरण शरण दे विच रहिंदे ने, होर किधरे नहीं जाते। गुरु कलगीधर महाराज दुखिया के दुख हरण वाले इतिहास में जिक्र आता है कि वैद सुजान जिन्हों इस गल का पता लग्या, इस गल का इलम होया कि गुरु कलगीधर महाराज गुणिया की कदर करते ने, विद्वाना की कदर करते ने, किसी भी खेत्र का मनुख हो उसके कदरवान हैं, गुणवाना की वह कदर करते हैं। ये पता कितों लग्या? भाई नंद लाल वर्गिया का जो सुनिया कि दीन दुनिया के मालिक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुणवाना की कदर करते हैं। हुण वैद सुजान जिहदा कि काम सी वैदगी का लुकाई दे दुख हरण वास्ते, वैदगी का काम, डाक्टरी का काम, हकीमी का काम कर सन, पर हुण मन विच ये तड़प है कि गुरु कलगीधर महाराज जिया के दर ते गुरु महाराज के दर ते जा करके सेवा की जाए। हुण वैद सुजान दे मन अंदर ये तड़प सी, कहिंदे जिस वेले चलिया है तो गुरु कलगीधर महाराजियां दे दरबार दे विच आके पहुंचिया, सतगुरां दे नमस्तक हो के मत्था टेकिया गुरु कलगीधर महाराज जी नूं, ते मेरे सतगुरु दीन दुनिया दे मालिक धन गुरु कलगीधर महाराज आखन लगे, वैद सुजान तेरा इत्थे काम नहीं, तेरी इत्थे लोड़ नहीं आ, तेरी होर किधरे लोड़ है, तू जा चलिया जा। ऐ दीन दुनी दे मालिक गुरु कलगीधर महाराज, मैं ते तुहाडा ऊट आसरा तक के आया हाँ, किस पासे जावां? कहिंदे तेरी आत्मा जिस पासे तैनू लै जावे उसी पासे चलिया जा, पर इत्थों चलिया जा। हुण वैद सुजान कहिंदे गुरु कलगीधर महाराज जी दे हुक्म नूं पा के दौड़ा जा रहा, पर पता नहीं किस पासे जाणा। कहिंदे रूपड़ वाले पासे नूं भजा जा रहा, भजा जा रहा। गुरु कलगीधर महाराज जी दे हुक्म नूं मन के पता कोई नहीं जा किधर रहा, पर दौड़ा जा रहा। कहिंदे थक के एक पिंड दे लागे बेहोश हो के डिग पिया, पिंड वालिया ने तकिया कि कोई गुरमुख प्यारी रूह ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਜਾਪ ਹੈ, ਬੇਸੁਰਤ ਪਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਹੈ? ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੈਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੰਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ
उन्हां दियां दवाइयां बना लैंदे ने ते पुड़ियां बना के रख लैंदे ने। जिहड़ा भी कोई आउंदा, जिहड़ा भी कोई दुखिया आउंदा है, उसनूं एक पुड़ी दे देंदे ने ते नाल इह गल कह देंदे ने कि गुरमुखा जिथे ये दवाई खानी है उत्थे नाल गुरु कलगीधर महाराज जी का नाम अपनी रसना तो जपना है, नाल ये कहना है धन गुरु कलगीधर महाराज बख्शिश करो, मेरे दुखां नूं हरना करो, वाहिगुरु का जाप रसना ते होवे, गुरु कलगियां वाले का नाम रसना ते होवे। कहिंदे इस तरह करदिआं करदिआं वैदगी का कम भी करना, जरनैली सड़क ते कुल्ली पाई हुई है ते जदों कोई समा बचना उदों पानी की सेवा भी करी जानी, जल की सेवा भी छकाई जाना संगतां नूं आउंदिआं जांदिआं नूं। कहिंदे समा बीतदा गया, एक दिन ऐसा आया जदों गुरु ने तारना सी, जदों गुरु ने बख्शिश करनी सी, रहमत झोली विच पाउणी सी, निवाज देना सी, क्योंकि जिहड़ी घालना कीती होई मेरे सतगुरु एक तिल जिनी भी आजाई नहीं जान देंदे, एक तिल नहीं भन्नै घालै, सेवा कीती होई सतगुरु दे दर ते तिल जिनी भी आजाई नहीं जांदी। कहिंदे हुण गुरु कलगीधर महाराज जी ने इस पासे नूं पता लग्या कि आ रहे ने एक दिन, ते पिंड वाले सारिआं ने आख्या कि गुरु कलगीधर महाराज जी दे दर्शन जा के करांगे। हुण वैद सुजाण नूं भी बहुत खुशी होई कि मेरा कलगियां वाला आ रहा है, मैं उस कलगीधर महाराज जी दे दर्शन करांगा, तृप्त होवांगा। कहिंदे इत्थे हुण एक होर मेरे सतगुरां ने कला वरताई, प्रीख्या लई, उधरों गुरु कलगीधर महाराज आ रहे हैं, तो दूसरे पासे एक दुखी माता आई, एक दुखी माँ आई, आके पुकार कर रही वैद सुजान दे अगे, वैद सुजान बेटा मेरे घर दे विच मेरी नूँह बीमार है, उसकी दवाई देनी है, चल मेरे नाल। हुण उधरों गुरु कलगीधर महाराज आ रहे ने, दर्शन भी करने ने गुरु कलगियां वाले दे, मन दे विच तड़पिया कि गुरु कलगीधर महाराज जी दे दर्शन करां, पर जे हुण दूसरे पासे नहीं जांदा ते सतगुरु ने ते भेजिया इहदे दुखियां दे दुख हरण वास्ते सी, सतगुरां ने ते सेवा लाई सी, हुण कहिंदे अपना बैग चुकिया, झोला चुकिया, उस पासे नूं उह तुरिया, माता दे नाल गया, कहिंदे जा के पुड़ी दित्ती, दवा दारू कीता ते नाल इह गल आखी, गुरु कलगीधर महाराज जी का नाम जपना है, गुरु बख्शिश करेगा, भली करेगा। तो थोड़े समय दे विच दवाई दित्ती, तो वापस जिस वेले आ रहे हुण की ताकदे ने कि जिस कुली दे विच वैद सुजाण रहा करदा सी, सारियां पासियां ते संगतां दा तांता लग्या होया, संगतां आईयां होईयां, गुरु कलगीधर महाराज उस शफा दे बैसे होए ने जिथे वैद सुजाण दवाई दारू करिया करदा सी। जिस वेले गुरु कलगीधर महाराज जी नूं बैठिया तकिया, सिरपट सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज जी दे चरणा ते शीश रख दिता, ते सतगुरां ने थापड़ा दिता, आखिया तुसी प्रवान चढ़े हो, तुसी प्रवान चढ़े हो, मेरे गुरु कलगीधर महाराज जी ने वैद सुजान नूं अपने कहिंदे नाल लै के गए ने, ते अमृत छका करके नाम रखिया वैद सुजान सिंह। जिहड़े मालक दी ओट रख लैंदे ने, जिहड़े मालक दे नाल जुड़ जांदे ने, फिर मालक उन्हां दा हो जांदा, मालक नूं फिक्र हो जाया करदा है। आन शगल विदकाम ना आवै, हर हर नाम ते आया तांते मोहि धारी ओट गोपाल। कहिंदे तां ही मैं उस मालक दी ओट नूं, तां ही उस मालक दी ओट तकी है, शरण परियो पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल दंजाल। जदों मैं शरण शरण दे विच आया ना, सारे जंजाल खत्म हो गए, जितने जंजाल बने हुए सन ना वो सारे खत्म हो गए। रहाओ सुरग मिरत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए। हुण तिन्हां लोकां दे विच ही, स्वर्ग लोक दे विच ही, मृत लोग कह देंगे ने धरती ते
पायाल जिहड़ा धरती ते आकाश दे विच दी जगह है। सुरग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए, कहिंदे सारियां जगह ते माया व्यापर रही है, माया दा जाल विछिया होया है धरती देवी सारिया ही जगह ते माया वापर रही। हुण जाया कित्थे जावे, माया तो किस तरीके नाल बचा जावे, माया कई तरीकों के नाल वापरती है। हुण इस गल का पता लग्या, जीव उदाहरण सब कुल तारण हर हर नाम ते आए। जे परमेश्वर का नाम सिमरन किया जाए, उस मालिक के नाम के नाल जुड़िया जाए तो उस दे नाल की हुंदा है, अपना भी उधार हो जाता है तो अपनिया कुलों का भी उधार हो जाता है। पंचम गुरदेव बख्शिश करते ने अपने पावन बचना दे विच, जिस सिमरत सब किल विखनासे पितरी हुए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो जां कांत न पारो। कहिंदे जिहदा सिमरन करन दे नाल अपना तो उधार सहज ही हो जाता मनुख का, अपने पितरां का भी उधार कर लेंदे ने, इत्थों तक कहिंदे ने इक्कियां कुलां का उधार कर लेंदे ने जिहड़े नाम जपदे ने, जिहड़े जपदे ने सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जी उधारन सब कुल तारन हर हर नाम ते सारिया ही कुलों का उधार कर लेंदे ने। मेरे मालिक धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने सारिया कुलों का भी उधार कर लेंदे ने, अपना भी उधार कर लेंदे हैं। जिन्हां जिन्हां ने भी विपता दे टाइम दे विच भी उस मालिक का चिंतन किया, धन गुरु तेग बहादुर महाराज अपने पावन बचना विच बख्शिश करते ने, हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई, जां को सिमर अजामल उदरियो गन काहू गत पाई। जिदा सिमरन करन दे नाल अजामल वर्गियां दा उधार हो गया, गनका वर्गियां पापणा तर गई। जां को सिमर अजामल उदरियो गनका हूं गत पाई, पंचाली को राज सभा में राम नाम शुद्ध आई। पंचाली पांडवों की घरवाली, जदों सारे आसरे टुटदे दिसे ने ते फिर उस मालक नूं सिमरना कीता। पंचाली को राज सभा में राम नाम सुधे आई, ता को दुख हरे ओ करना मैं अपनी पैद बढ़ाई। उत्थे मेरे मालक ने बख्शिश कीती, रहमत कीती, इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है। अंदर सभा दुशासने मत्थे वाल द्रौपदी आंदी, संकल्प ते उन्हां दा ए सी ना कि बेपत कीता जावे, इहो ही संकल्प सी कि बेपत कीता जावे। पर जिस दे नाल ओ मालक होवे उसनू कौन बेपत कर सकता है, उसनू कौन उसकी बेइज्जती कर सकता है। कहिंदे हुण जिस वेले याद कीता ना, पंचाली को राज सभा में राम नाम शुद्ध आई, परमेश्वर नू याद कीता ते साड़ी वधदी जा रही है, वधदी जा रही है, पता नहीं किधरों आ रहा कपड़ा। हुण मालिक दी बख्शिश हो रही है, सारी सभा वल जो तकिया ना पहला उसने कि सारे ही बैठे हुए ने, विद्वान पुरश बैठे हुए ने, सारियां वल झाती मारी है, ते कोई भी उसकी आबरू बचाउण वास्ते अगे नहीं आया। पर उस वेले याद कीता उस मालिक नू, जां को सिमर अजामल उदरियो गनकाहूं गत पाई, पंचाली को राज सभा में राम नाम शुद्ध आई। हुण इत्थे परमेश्वर नू याद कीता है, जदों परमेश्वर नू याद कीता ते परमेश्वर हाजिर होया, परमेश्वर ने लज्जा रखी, पत रखी है। पर उन्हें भी कदी किसी की पत रखी सी, ताइयों पत प्यारे रखी गई। इतिहास में जिक्र आता है कि दुर्वासा ऋषि की अपनी कोपीन इशनान करदियां डिग गई सी, ते उस वेले इसने कपड़ा अपने चुनी दा दिता, ते अज कहिंदे परमेश्वर ने इसकी पत रखी है।
पंचाली को राज सभा में राम नाम शुद्ध आई, ताको दुख हरेओ करना में अपनी पैज बढ़ाई। कहो नानक मैं यही भरोसे गही आन शरण आई। कहिंदे ताई ते मालिक दे नाम दे नाल जुड़ना कीता ना, जीव उदारन सब कुल तारन, सारियां कुलां दा उदार कर देंदा है परमेश्वर दा नाम जिहड़ा है। जी उदारन सब कुल तारन हर हर नाम ते आए। जदों असीं मालक दे नाम दे नाल जुड़ जांदे हाँ, परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़ जांदे हाँ, आदियां व्याधियां उपाधियां सारियां ही खत्म हो जांदियां ने। मेरा मालक बख्शिश कर देंदा है, रहमत कर देंदा है। नानक नाम निरंजन गाई है पाई है सर्व निदाना। निरंजन तो भाव है जिन्हों मैल कोई नहीं लगती, जिन्हों कालख कोई नहीं लगती, जिहड़ा मैल तो रहत है। फिर उस मालक का सिमरन करिए, उस मालक दे नाम दे नाल जुड़ जाइए जिहड़ा मैल तो रहत है, जिहड़ा कालख तो रहत है। नानक नाम निरंजन गाई है पाईए सर्व निदाना। सारे ही खजाने उसनू प्राप्त हो जाते ने, नौ निधियां उन्हों प्राप्त हो जाए ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज बख्शिश करते ने, नव निधि 18 सदी पिछे लगियां फिरे कदों, जो हर हिरदे सदा वसाए, ब्रह्म विदे तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिव लाए। नव निधि 18 सदी पिछे लगियां फिरे, जो हर हिरदे सदा वसाए। जिहड़े परमेश्वर दे नाम नू अपने हिरदे अंदर वसा लेंदे हन, ते सारा जगत ही उन्हां दे मगर तुरिया फिरदा है। नवने दियां 18 सिद्धियां, सारियां ही दुनिया दियां ताकतां उन्हां दे मगर मगर तुरिया फिरदियां हन। नानक नाम निरंजन गाईए पाईए सर्व निदाना, ते उसनू सारे खजाने वह प्राप्त हो जाते ने। नव निधियां भी प्राप्त हो जांदियां ने, 18 सिद्धियां भी प्राप्त हो जांदियां ने। करके जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना, ते जिस ते ओ मालक कोशिश कर देवी रहमत कर देवी, जिहदी झोली दे विच नाम दी दात पा देवी। जदों नाम दी दात मिल जांदी है उदों सारा की प्राप्त हो जांदा है। जिवें धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दा पावन हुणे ही बचन आप जी ने सरवण कीता सी ना, जिस सिमरत सब किल विखनासे, पितरी होए उदारो सो हर हर तुम सद ही जापो, जांका अंत न पारो। जिहदा अंत पारा वार कोई नहीं पाया जा सकता, जिहदा अंत बना कोई नहीं, जांका अंत न पारो। पूता माता की आसीस, केड़ी आसीस है, निमक न बिसरो तुम को हर हर, कदे भी तुहाडे एक छिन वंगर भी, ये छिन मात्र भी परमेश्वर का नाम ना विसर, निमनख ना विसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश सतगुरु तुमको ए दयाला, ते सतगुरु तेरे ते दयावान होण, सतगुरु तुमको ए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, तेरी मालक दे प्यारियां दे नाल प्रीत हो जावे, तेरी गुरु दे नाल प्रीत हो जावे। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, ते तेरा भोजन केड़ा बन जावे परमेश्वर दा नाम, तेरा आहार केड़ा बन जावे परमेश्वर दा नाम। जदों साडा भोजन बन जावेगा ना परमेश्वर दा नाम, ते सतगुरु फिर साढ़े ते मेहरामत कर दे। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। परमेश्वर का नाम जिहड़ा अमृत वर्गा मिठा है, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, फिर की हो जाएगा आनंद ही आनंद वरत जाएगा, आनंद खेड़ा हो जाएगा, फिर दुख कोई नहीं रह जाएगा। सब सुख ही है रे हार नहीं सब जित, फिर हार कोई नहीं रह जाएगी, जित जित ही होगी,
अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कबहे ना व्यापे चिंता। फिर किसी किस्म की कोई चिंता नहीं आवेगी, कोई झूरा नहीं रह जाएगा। कबहे ना व्यापे चिंता। आखिरी पंक्ति में सतगुरु गुरुदेव पिता बख्शिश करते हैं, भावर तुम्हारा ये मानोव आत्मा तुहाड़ी किस तरह बन जावे। हर चरणा हो कौला नानक दास उन संग लपटायो किवें जो बूंदे चात्रक मौला। जिवें चात्रक जिवें पपीहा तड़फदा है स्वांति बूर। हुण कहिंदे जल ते बहुत है, वर्खा होई पई है, पानी नदियां नाले टोबे सारे भरे हुए ने। चात्रक नूं किसी ने आखिया कि तू पानी पानी कर रहे हैं, पानी पानी मंग रहे हैं, ते इतना पानी है, ये टोबे भरे ने, ये तालाब भरे हुए ने, कितने नदियां नाले वाग रहे ने, तैनू तृप्ति नहीं? कहिंदे नहीं, ये जिहड़ा पानी है ना, ये गंदला हो चुकिया, ये धरती ते जिहड़ा डिगिया पानी ये गंदला हो चुकिया, मैनू इस दी लोड़ नहीं है। मैं केवल ते केवल वो जो स्वांति बूंद है, उसकी प्यास है, उसकी तड़फ है। तो फिर इंद्र नूं भी तरस आया, मेघे नूं फरमाया वरसो लाए झड़ी। तो कहिंदे जदों मेघे नूं फरमान होया ना, बबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी उकार, मेघे नूं फरमान हुआ वरसो किरपा धार। मेघ वरस हुण छोटा जिहा पबीहा तड़फ रहा स्वांति बौंद नूं, वो प्यासा तड़फ रहा, फुरमान हुआ वरसो किरपा धार, फिर मेघ वरसिया। जदों मेघ वरसिया ना, फिर उसनूं स्वांति बौंद जदों मूँह दे विच पई, हुण तृप्ति होई, हुण तृप्ति होई। नानक दास उन संग लपटायो जो बूंदे चात्र कमौला, ऐसी प्यास बन जावे। प्यारे दुनिया का जो धन दौलत है, दुनिया के जो साजो समान हैं, दुनिया के जो खुशियां हैं, उन्होंने मनुख कदी तृप्त नहीं होगा, वो वधदा ही जाएगा। तृष्णा विरले ही की बूझी है, कोट जोरे लाख करोरे मन ना उरे, परे परे ही को लूजी। मन अगे तो अगे डिमांड करता है, अगे तो अगे डिमांड करता है, तो तृष्णा बुझनी कदों आ। तृष्णा बुझे हर के नाम महा संतोख होवे, गुरबचनी प्रभ सो लागे पूर्ण ध्यान। उदों साड़ी प्यास बुझ जाएगी, उदों साड़ी त्रिखा बुझ जाएगी, जदों हिरदे दे अंदर नाम दी कणी पै जाएगी, जदों सतगुरु बख्शिश कर देणगे, रहमत कर देणगे, साड़ी झोली दे विच नाम दी कणी पा देणगे। ते सतगुरु आखरी पंक्ति विच आखदे ने, नानक नाम निरंजन गाईए पाइए सर्व निदाना। वो जड़ा मैल तो रहत परमेश्वर है ना, उसनू गुणा करिए, उस अपनी सोच दे विच अपनाउणा करिए, पाइए सर्व निदाना, फिर सारे ही खजाने प्राप्त हो जाएंगे। नव निधि अठारह सिद्धियां प्राप्त हो गईयां, कर किरपा जिसे स्वामी बिरले काहू जाना। बख्शिश करता है पर विरले प्राप्त करते हैं, विरलियां नूं वो बख्शिश प्राप्त होंदी है, सारियां नूं वो बख्शिश नहीं प्राप्त होंदी। तो जिन्हां नूं बख्शिश प्राप्त हो जाती है वह फिर खीवे हो जाते हैं, वह आनंदित हो जाते हैं, फिर उन्हां दा हो जाता है ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दे महावाक अनुसार जीवन टल जाता। मेरा सतगुरु गुरुदेव पिता बख्शिश करे, रहमत करे, जो सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो बख्शिश मेरे मालिक ने की, सतगुरां ने साड़ी झोली विच पाई है, तो साड़ी झोली दे विच इस तरह ही नाम की कणी पैंदी रहे, तां कि असीं सुरखरू हो सकीए, होईआं भुल्लां दी खिमा बख्शिश करना। आओ समूह संगत गजवज की बुलाइए जी फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।